हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज मैं आपके सामने एक और ट्रिकी एग्जांपल लेके आया हूँ, फ्यू एंड ए फ्यू के बीच में क्या फ़र्क होता है या क्या डिफरेंस होता है। हमें पता है कि जब हम ए फ्यू वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो वो स्ट्रेट अवे उनके आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है, यानी कि अगर हमें मिलेगा ए फ्यू मैंगोज आर फ्रूट्स, तो उसका हम वैलिड कन्वर्जन कर देंगे स्ट्रेट अवे सम मैंगोज आर फ्रूट्स। ठीक है, ये हमने किया था जब हमने ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन या आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन का रिडक्शन देख रहे थे हम, और ये एग्जांपल मैंने उसी में से लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी तब होगा जब ये ए शब्द आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यानी कि सिर्फ फ्यू मिलेगा। तो उसका भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, फ्यू मैंगोज आर इन द बॉक्स। इसके थोड़े से ट्रिकी कन्वर्जन्स होंगे और थोड़ा सा डिलेमा रहेगा, थोड़े से दुखी हो जाएंगे हम, लेकिन कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। हम इसका एक गोल्डन रूल बनाएंगे, और इसका गोल्डन रूल ये है कि इसके दो कन्वर्जन्स पॉसिबल होंगे, और दो कन्वर्जन्स जो होंगे वो इसका एक आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन पॉसिबल है और इसका एक ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन पॉसिबल है। पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। यानी कि जब हम ये बोलते हैं फ्यू मैंगोज, यानी ये जो मैंगोज़ हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि मैंगोज फ्रूट्स में आते हैं, तो जब हमें क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम ये फ्यू मैंगोज वाला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। इसका वैलिड कन्वर्जन स्ट्रेट अवे दो तरीके से होगा, एक इसका आई टाइप बनेगा, ठीक है, और वो जो आई टाइप होगा वो होगा सम मैंगोज आर फ्रूट्स दैट आर इन द बॉक्स। ठीक है, इसका एक आई टाइप ऑफ कन्वर्जन पॉसिबल है और इसका एक ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन भी पॉसिबल है, और वो क्या होगा, सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स दैट आर इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई, वो हुआ फ्रूट्स। फ्रूट्स यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमने क्लास में ऐड किया उसको, और उस क्लास के बिहाफ पे हमने एक आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन बनाया और एक ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन बताया। यानी कि हमने कहा कि सम मैंगोज आर फ्रूट्स दैट आर इन द बॉक्स। ठीक है, यानी कि कुछ मैंगोज ऐसे थे जो कि फ्रूट्स थे और वो बॉक्स में थे, और फिर हमने कहा कि सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स दैट आर इन द बॉक्स, यानी कि कुछ मैंगोज ऐसे थे जो कि फ्रूट्स क्लास को बिलोंग ही नहीं करते थे पर वो बॉक्स में थे। आई होप ये चीज़ आपने देखी हो, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग ज़रूर है बट यही इसका वैलिड कन्वर्जन होगा। और जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो ये दो वैलिड कन्वर्जन्स पॉसिबल हैं। आई होप ये जो सवाल मैंने आपको बताया है और उसके एग्जाम्पल की मदद से अगर आप इसको कुछ समझ पा रहे हो या कुछ डाउट हो आपके माइंड में तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।